फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है, डेल का लैपटॉप है। क्या मॉडल क्या है इसका? मॉडल है डेल वोस्ट्रो 2520। और प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम हम इसको ऑन करते हैं तब हमारी मशीन ऑन तो हो जाती है पर ये बीप करती है, टी टी की आवाज आती है। तो वो किस वजह से आती है? सबसे पहले आप सुनोगे ये बीप आ रही है, तो ये बीप किसकी वजह से आती है? ये बीप आती है हमारे कीबोर्ड की वजह से भी आ सकती है, हमारे मदरबोर्ड की वजह से भी आ सकती है। तो हम खोल के सबसे पहले क्या देखते हैं, हमको सबसे पहले खोल के देखना होगा कि हम पहले मदरबोर्ड को डिसेबल कर दे। पर ये बीप कीबोर्ड की नहीं है, ये तीन बीप मारता है। तो ये हमारी सीमोस की भी हो सकती है और मदरबोर्ड की भी हो सकती है। मदरबोर्ड में केबल की भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, और आपकी सीमोस की भी प्रॉब्लम होती है। तो खोल के हम वही करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसकी सीमोस कैसे चेंज। पहला स्टेप हमारा होता है कीबोर्ड को एक बार डिसेबल करके देखेंगे, उससे भी नहीं हो रहा है तो हमारी सीमोस चेंज करके देखेंगे। यदि उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। इस टाइप की ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करते हैं। खोलने से पहले हमें उसकी बैटरी को हटा लेना चाहिए, ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। फिर उस पर हमें कुछ काम करना चाहिए। इसका कीबोर्ड खोलने के लिए हमें कोई ऐसी प्लेन चीज चाहिए होती है। मैं इससे नाइफ से इसको यूज कर रहा हूँ। आप इसमें कोई एक प्लान वो आता है ओपनर खोलने के लिए, वो भी यूज होता है। हमारे लोग को प्रेस करता है और कीबोर्ड को ऊपर उभार देता है। ये इस प्रकार ये हमारा कीबोर्ड बाहर निकल गया है। ये हमने कीबोर्ड डिसेबल कर लिया है, करके देखते हैं कि हमारी मशीन में अभी भी बीप आ रही है या हमारी ये बीप खत्म हो गई। ये बीप हमारी अभी भी आ रही है। तो अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका सीमोस का होगा और मदरबोर्ड का होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी या इसकी सीमोस में प्रॉब्लम थी। इन्हीं चीजों से होता है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना पड़ता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।